कराची के इलाके न्यू सब्जी मंडी में मुलजिम ने फायरिंग करके भाई और भतीजे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया सुबह के वक्त पेश आया। मुलजिम जा भाग होने वाले एक शख्स का भाई और दूसरे का चचा था। हुकाम का मजीद कहना है कि वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के आजादी मार्च में मुस्लिम लीग नून की शिरकत और धरने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। वकील रियाज हनीफ राही की जानिब से धरने की इजाजत देने से रुकने की दरख्वास्त दायर की गई। दौरा पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता रात बरतानवी शाही जोड़ा नूर खान एयरबेस पहुंचा तो शानदार इस्तकबाल के साथ ही जिस चीज ने सबकी तवज्जो खींची वो कैट मिडिलटन का पहनावा था। शाही जोड़े का इस्तकबाल रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उनकी अहलिया ने किया, जबकि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रेयो भी मौजूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के हुकूमत मुखालिफ आजादी मार्च का सिंध से तश्कील गया रूट प्लान सामने आ गया। आजादी मार्च का आगाज कराची से होगा। 27 अक्टूबर को काफिले सोराब कोर्ट से बरास्ता सुपर हाईवे रवाना होंगे। हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन से आने वाली रैलियां इसी दिन मार्च में शामिल होंगी। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 121 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक मजीद 121 अफराद में वायरस की तशखीस होने के बाद रावासाल डेंगू का शिकार होने वालों की तादाद 6490 हो गई। इस्लामाबाद में CIA पुलिस ने 4 रुपये बैनुसूबाई कार और मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। जुड़वा शहरों में कार और मोटरसाइकिल चोरी की दर्जनों वारदातें करने वाले गिरोह के कब्जे से चोरी की 5 गाड़ियां और 7 मोटरसाइकिल भी बरामद करा ली गई। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक कुत्ते ने पुलिस की दौड़े लगवा दी। 12 अफराद को काटने वाले कुत्ते को पकड़ने के लिए रेंजर्स को तलब करना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज़, मैं हूं आपके साथ फिजरा फहीम। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट साहिबान न्यूज़.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।